नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो ना? इसी कामना के साथ कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त सतपाल और आप देख रहे हैं सतपाल डॉक्टर ब्लॉग चैनल। और आज अभी मैं हूँ खेत में काम करने आया था, खेतों में, क्योंकि किसान के बेटे हैं तो खेत में कुछ ना कुछ सुबह सुबह, और वैसे भी मेरे को नेचुरली जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बढ़िया लगती है, और सुबह सुबह खेतों का घूमना तो वैसे ही नज़ारे ही क्या है। तो सुबह सुबह मैं खेतों की तरफ ज़रूर आता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में गन्ना है और आगे भी काफ़ी गन्ना है, सिर्फ अपने खाने के लिए बढ़िया से अपन नेचुरली खेती करते हैं, इसीलिए वो लगा रखा है। तो आपको दिखाऊंगा आज थोड़ी खेतीबाड़ी के बारे में भी। काफ़ी दिन हो गया खेतीबाड़ी पे कोई वीडियो मैं शेयर नहीं किया, तो ज़रूर आपको खेतों के बारे में आज दिखाता हूँ। चलते हैं, देखते हैं, आप भी कृपा मेरे साथ बने रहिएगा और देखते हैं कि आज का खेती के बारे में। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था ये जो अपने जो खेत में गन्ना खड़ा है, काफ़ी है गन्ना। किसी भाई को खाने की इच्छा हो तो अभी तो नहीं, पर ये महीने के आसपास तैयार हो जाएगा। किसी को खाने की इच्छा तो आके खा भी सकता है, सिर्फ अपने खाने के लिए इसको लगाया गया है। और ये आप देख रहे हैं कि नरमा कपास, अब की बार नरमा कपास भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, फल फूल खूब लगा है, और गन्ना भी ज़बरदस्त हुआ है। ये देखो कि कितने शानदार गन्ना अपना खड़ा है। और इधर में साथ में अपना चावल की खेती, वो भी काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप करते हैं देसी खेती, और देसी खेती में आपको पता है मेहनत की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। मेहनत ही किसान का सबसे बड़ा धन होता है जिससे वो फसलें तैयार करता है। ये आप देख रहे हैं कि अपना जो नरमा का पास है, इस पे आप फल देखो कि कितना शानदार आया है। अब की बार हमने मेहनत से भी बहुत ज़्यादा की है, उसका परिणाम अब सामने नज़र आ रहा है। अब की बार फसलें ख़राब भी बहुत हुई थी, लेकिन अपनी फसल जैविक है, मेहनत अच्छी की है, इसकी वजह से बहुत शानदार अभी तक दिख रही है ये जो आप देख रहे हैं गन्ना। और ये देखो कि जगह जगह मैं नेचुरली चीज़ों का काफ़ी बना के रखता हूँ। कहीं कोई पेड़ खड़ा है, पेड़ मेरे को ज़्यादा प्रिय है, खेतों में मैं कुछ ना कुछ हर जगह लगा के रखता हूँ। ये देख रहे हो कि सैजल का एक बहुत बड़ा पौधा उधर अपने पीछे वीडियो में देखा है, एक ये सैजल का अमेरिकन पौधा है, और देखते हैं कि इसका आगे आने वाले टाइम में मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे फल लगते हैं। ये चावल की खेती है, और चावल आप देख रहे हो कि काफ़ी बढ़िया खड़ा है। अब की बार हरियाली चारों तरफ ज़बरदस्त दिख रही है, क्योंकि बारिश से भी ज़बरदस्त हुई थी। और गन्ने का फुटाव भी आप देखो कि, आपको नज़दीक से थोड़ा दिखाता हूँ कि गन्ने का फुटाव भी ज़बरदस्त हो रहा है, और खाने के लिए अब की बार काफ़ी बढ़िया गन्ना तैयार होगा। काफ़ी दूर में अपने गन्ना बोया है, हर साल मैं नरमे कपास में तिल और बाजरे के कुछ ना कुछ पौधे लगाता हूँ, लेकिन अब की बार बारिशों ने जो कहर ढाया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। कोई कोई पौधा लगा है, लेकिन काफ़ी हद तक पौधे ख़त्म हो गए थे ज़्यादा पानी की वजह से। तिल तो वैसे भी सूखी फसल में होता भी नहीं है। तो ये लगातार आप देख रहे हैं खेती, और सुबह सुबह अभी सूर्योदय हो चुका है, लेकिन बदल होने की वजह से सूरज को नहीं देख पा रहे हैं। तो काफ़ी पौधे देखो कि
ये वैसे बाजरे का पौधा है, कहीं कहीं कोई पौधा बचा है, बाकी बाजरे के पौधे नहीं हुए हैं। गन्ना काफ़ी हद तक बढ़िया और अच्छा गड़ा है। जैविक संसाधनों का प्रयोग करके जब खुद आप अच्छा खाना पसंद करते हैं तो पौधों में जहर क्यों डालें। जितना जहर ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा फसलें आने वाले समय में ख़राब होगी, और ख़राब होगी तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। और देख ही रहे हैं कि फसलें तो होती है बर्बाद। अब साल की साल हर साल ऐसा आता है कि ऐसी ऐसी बीमारियां आप देख रहे हैं कि जिनका कोई हल भी अपने को नहीं दिखता। हर साल कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी आती है जो बहुत ज़्यादा अपने को नुकसान करके जाती है। तो नेचुरली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको खरीदें, क्योंकि खरीदार हो गए जब ही किसान उनको तैयार करेगा नहीं। ये देख लो। हाँ तो दोस्तों, आज देखिए आपने अपनी खेती जैसे बाजरा खड़ा है, और कुछ ना कुछ हर जगह ऐसा लगा के रखते हैं जो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है और भूमि की सेहत के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है। इसका बेनिफिट सभी को मिलता है। नेचुरली चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग करें, सेहत अच्छी रहेगी, आप भी अच्छे रहेंगे। तो इसी कामना के साथ कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास भी सबको स्वस्थ रखें, माँ बाप की अच्छे से केयर करें, सबकी केयर करें, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।